दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। पैकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो हम पाएंगे कि कोरोगेटेड बॉक्सेस का इस इंडस्ट्री में बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इसका उपयोग सभी प्रकार के इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली इंडस्ट्री, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री, शीशे का निर्माण करने वाली इंडस्ट्री, दवाइयां बनाने वाली इंडस्ट्री, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री, बिस्कुट, कपड़े, कूलर, पंखे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग सभी प्रकार के इंडस्ट्री द्वारा कोरोगेटेड बॉक्सेस का इस्तेमाल उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसको अच्छी तरह पैकेजिंग करने की आवश्यकता होती है। इसी के लिए कोरोगेटेड बॉक्स को मेन रूप से यूज किया जाता है। दोस्तों आज की डेट में पूरे इंडिया की 80% कंपनी कोरोगेटेड बॉक्स का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स की पैकिंग के लिए। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि कोरोगेटेड बॉक्स की डिमांड कितनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि हम कैसे अपना खुद का कोरोगेटेड बॉक्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मशीन और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, कैसे कोरोगेटेड बॉक्स बना सकते हैं, कैसे अपने तैयार माल को बेच सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों यदि कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंडिया में कर रहा है तो वो उस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके विदेशों तक पहुंचा सकता है, लेकिन विदेशों तक अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कंपनी को कोरोगेटेड बॉक्सेस को यूज में लाकर पैकेजिंग करनी होगी, जिससे उसका प्रोडक्ट विदेश में सुरक्षित पहुंच सके। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि कोई कंपनी दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसे देश के कोने कोने तक भेजना है, तो उसके लिए कंपनी कोरोगेटेड बॉक्स का यूज करेगी ताकि उनके प्रोडक्ट खराब ना हो सके। दोस्तों हम उन कंपनीज के लिए कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर कर एक प्रॉफिट वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसके लिए अलग अलग कंपनीज में उनकी रिक्वायरमेंट पता करनी होगी और फिर उनके हिसाब से कोरोगेटेड बॉक्स को तैयार करना होगा। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हम कोरोगेटेड बॉक्स कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कोरोगेटेड बॉक्स को बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल क्राफ्ट पेपर होता है। आप अपने बिजनेस के लिए ब्राउन क्राफ्ट पेपर खरीद सकते हैं, ये रोल में आता है। बाजार में आपको अलग अलग थिकनेस के पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों पेपर को हम उसके थिकनेस या फिर GSM के जरिए मेजर करते हैं, यानी मापते हैं, यानी पेपर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसकी मोटाई उतनी ज्यादा होगी। आपको ये पेपर बाजार में 25 रुपए से 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे और आपको इसके बहुत से सप्लायर हर बड़े शहर में मिल जाएंगे। इसके अलावा कोरोगेटेड बॉक्स बनाने के लिए ग्लू यानी चिपकाने का पदार्थ, सिलाई करने की तार और प्रिंट करने के लिए कुछ इंक्स की जरूरत होती है। और वहीं कोरोगेटेड बॉक्स बनाने के लिए मेनली तो कोरोगेटेड बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मांग के आधार पर अलग अलग साइज एवं मोटाई जैसे 2 प्लाई, 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, 9 प्लाई में की जाती है। हर कंपनी की अलग अलग जरूरत होती है और हमें उसके हिसाब से बॉक्स को तैयार करना होता है। किसी को छोटे बॉक्स चाहिए होते हैं और किसी कस्टमर को बड़े बॉक्स। उसके लिए हमें उसके हिसाब से पेपर का स्टॉक अपने पास रखना होता है और उसका प्रोडक्शन करना होता है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि हम कैसे इसे तैयार करते हैं। दोस्तों होता है उसकी डिजाइन से, उसके बाद बॉक्स का रॉ मटेरियल इंडिया में से ही अलग अलग कंपनी में से लाया जाता है। कोरोगेटेड बॉक्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्राफ्ट पेपर और गम का इस्तेमाल किया जाता है। हम कस्टमर का डिजाइन तैयार करते हैं और फिर उसी डिजाइन के आधार पर हम उसका प्रोडक्शन शुरू करते हैं। प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सबसे
दोस्तों ये थी कोरोगेटेड बॉक्स को बनाने की प्रक्रिया। अगर आप भी यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।